हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 11वीं एनसीईआरटी केमिस्ट्री का पहला यूनिट हम पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इसके पिछले 7th वीडियो में मैंने आपको परमाणु और आणविक द्रव्यमान पढ़ा दिया है। अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत संगठन और इसका इसकी गणना कैसे करना है। तो देखिए, जब आप किसी का सूत्र देखते हैं, जैसे मान लो आप H2O देखते हैं, तो H2O ऐसे देखने से आपको लग रहा है कि हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 यहां पर जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो दोनों का बराबर है या कम है या ज्यादा है? तो हम यहां पर देखेंगे, जैसे H2O में हाइड्रोजन का 1 धन 1 यानी 2 है और ऑक्सीजन का 16 है, मतलब ऑक्सीजन के 16 की तुलना में हाइड्रोजन के सिर्फ 2 यहां पर यूनिट है, द्रव्यमान है। तो उसके आधार पे मतलब ऑक्सीजन के 8 के पीछे हाइड्रोजन का सिर्फ 1 भाग है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो इसके आधार पे जब हम इसकी प्रतिशतता निकालते हैं तो इसमें काफी अंतर आ जाता है, मतलब जो ऑक्सीजन है वो काफी ज्यादा भाग को ले जाता है। ठीक है, अभी तक हम किसी नमूने में उपस्थित कणों की संख्या के बारे में चर्चा कर रहे थे, परंतु कई बार किसी यौगिक में किसी विशेष तत्व के प्रतिशत की जानकारी की आवश्यकता होती है। तो जैसा आपने अभी आपने देखा कि H2O में हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 परमाणु है, लेकिन उसमें प्रतिशत कितना है यह हमको नहीं मालूम है, उसको निकालना है। यहां पर मान लीजिए कि आपको कोई अज्ञात या नया यौगिक दिया गया है, आप पहले यह प्रश्न पूछेंगे कि इसका सूत्र क्या है या इसके घटक कौन कौन से हैं और वे किस अनुपात में उपस्थित हैं। ठीक है, आप इसको पूछ भी सकते हैं और नहीं तो आप कई विधियां हैं जिसके द्वारा ज्ञात भी कर सकते हैं कि क्या चीजें हैं उसमें। ज्ञात यौगिकों के लिए भी इस जानकारी से पता लगाने में सहायता मिलती है कि क्या दिए गए नमूने में तत्वों का वही प्रतिशत है जो शुद्ध नमूने में होना चाहिए। दूसरे शब्दों में इन आंकड़ों के विश्लेषण से यह जानने में सहायता मिलती है कि दिया गया नमूना शुद्ध है या नहीं, क्योंकि अगर आपने H2O लिया है तो H2O में जो है जो फार्मूला है H2O यही है या उसके साथ कोई दूसरी चीजें मिली हुई है। जैसे जनरली आप जो पानी निकालते हो बोर वगैरह से या नदी वगैरह से, उसमें केवल H2O नहीं रहता है, उसमें और भी बहुत सारे प्रकार के मिनरल्स, शुद्धियां शुद्धियां ये सब मिली रहती हैं। ठीक है, तो उनकी भी जानकारी हमको मिलती है उनके फार्मूले से। अब देखते हैं, जैसे H2O की हम बात करते हैं, H2O का उदाहरण लेते हैं और इसमें किस ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है इसको इस चीज को निकालते हैं। ठीक है, तो किसी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए उस तत्व का द्रव्यमान कितना है उस यौगिक में और टोटल यौगिक का मोलर द्रव्यमान कितना है। ठीक है, जैसे देखिए, जल का जो मोलर द्रव्यमान है वो 18.02 है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 है ना, और हाइड्रोजन का है 1+008। ठीक है, धन 1+008 क्योंकि हाइड्रोजन 2 है, तो टोटल हो जाएगा 18.02, क्योंकि 18 ये आ रहा है 016 आ रहा है। ठीक है, तो 16 को इसने सीधा सीधा 2 लिख लिया है। ठीक है, तो इस तरह से हाइड्रोजन जल का जो मोलर द्रव्यमान है 18.02 आया। मैंने पहले पिछले क्लास में बताया है आपको कि अगर आप कैलकुलेशन में सीधे सीधे पूर्णांक लेके कैलकुलेट कर देते हैं तो भी आपको नंबर मिलेगा, लेकिन 10 में से 8 या 7 नंबर मिलेगा, लेकिन इस तरह से दशमलव वाले अंकों को लेकर के करते हैं तो पूरे 10 में 10 अंक मिलते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे दशमलव को आप जरूर लिख दें। अब इसमें हाइड्रोजन का निकालना है अपने को, तो हाइड्रोजन का कितना है देखिए, जैसे H2 है तो H2 का मतलब 1+008 2 है ना, और डिवाइडेड बाय जल का है 18.02 गुणित 100, तो इसकी प्रतिशत आ गई 11.18, इसकी प्रतिशत आ गई हाइड्रोजन की। अब यहां पर ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालने का 2 तरीका है, जैसे कि पहला तरीका में इसी तरह के फार्मूले में आप रख दीजिए तो भी निकल जाएगा, नहीं तो 100 में से आप 18 आप माइनस कर दो तो आपको इतना आ जाएगा। 2 तरीके हैं, या तो इसी तरह से फार्मूले में रखिए, तो फार्मूले में रख रहे हैं तो ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान है 16 है, एक ही ऑक्सीजन है, और ये जल का है, गुणित 100 कर देंगे तो इतना आ जा रहा है, और नहीं तो 100 में से आप इसको घटाएंगे तो भी इतना ही आएगा लगभग लगभग। ठीक है, तो 2 तरीके से आपने निकाला। तो अब आप यहां पर देखिए, जैसे आपने H2O कहा था तो ऐसे देखने पे लग रहा था कि हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है,
तो उसके हिसाब से जो है जो हाइड्रोजन है वो 33 दूनी 66% कवर करता है, और सिर्फ 33% कवर करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप प्रतिशत निकाले हैं तो हाइड्रोजन सिर्फ 11% है और ऑक्सीजन जो है वो 89% के आसपास है। तो आप प्रतिशतता को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में किसका कितना रोल है वहां पर। ठीक है, बाहर से देखने पे ये रोल पता नहीं चलता। जैसे कहा जाता है कि किताब को उसकी कवर देख करके आप अंदाज मत लगाइए कि कितना अच्छा या कितना बुरा बुरी किताब है ना। आप उसके अंदर पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। वैसे ही केवल फार्मूले को देख के आप अंदाज नहीं लगा सकते कि किसका कितना रोल है यहां पर। ठीक है, अब एक और उदाहरण लेते हैं, इथेनॉल। इथेनॉल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो इथेनॉल का फार्मूला यहां पर लिखा हुआ है, देखिए। अब यहां पर जरा ध्यान से देखिए, C2, तो यहां तो कार्बन दो ही है ना, लेकिन हाइड्रोजन H5 और H, यानी 6 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो उसके आधार पे आपको इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इथेनॉल का मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? तो कार्बन का है 12.01, ठीक है, हाइड्रोजन का है 1.008, ठीक है, इसका 6 भाग है, और क्योंकि 5 और 1 6 ना पहले बताया हुआ है, और ऑक्सीजन का है 16। तो इन सबको जोड़ देंगे तो इथेनॉल का आता है 46.068, ठीक है, 46.068 ये आ जाता है आपका इथेनॉल का। आप सिंपल सिंपल इसको 46 भी लिख देंगे तो 8 या 9 नंबर 10 में से मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब कार्बन का निकालना है, तो कार्बन यहां पर दो है, आप देखिए C2 है, और एक कार्बन का होता है 12.001, तो यहां पर है दो कार्बन तो 24.02, और इथेनॉल के है 46 इतना, और इसको कैलकुलेट किए तो 52.14% भाग कार्बन का आया। देखिए कार्बन कितना ज्यादा भाग बनाया हुआ है। कार्बन ऐसे देखने से कम ही लग रहा है, लेकिन इधर से कार्बन की तुलना करोगे तो काफी हिस्सा कार्बन ने, आधे से ज्यादा हिस्सा बना दिया है। हाइड्रोजन का 6 है यहां पर टोटल, 5 और 1 6, तो 6 6 1 दशमलव ये वाला जो है इसको कैलकुलेशन आप यहां पर लिख देंगे और आगे कैलकुलेट करेंगे तो 13.13 है ना। और ऑक्सीजन का 16 है, एक ही ऑक्सीजन है, तो 16 लिख सकते हैं, 15.9994, ठीक है, 15.999 और 4, ये लिख करके आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको एग्जैक्टली सही आएगा, और 34.728% आया। देखिए अब ये यहां पर दो तरीके हैं याद करने का, क्योंकि एनसीईआरटी है ये, और आपके सीबीएसई में भी या नीट में भी एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन को एग्जैक्टली देता है। तो आप तो जो एग्जाम्पल है आप उसको रट लीजिए, सबसे अच्छा तरीका है। एक दो बार पढ़ेंगे आपका रटा जाएगा कि किसमें कितना कितना मान लिखा हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्टली आप उतार दीजिए। देखिए जो 99% 98% लाते हैं वो सिर्फ समझ के ही नहीं पढ़ते हैं, वो लोग याद भी करते हैं, वो लोग रटते हैं, इसलिए उनका इतना ज्यादा परसेंट आता है। तो कई चीजों को लोग रट जाते हैं सीधा सीधा कि भाई इसको लिखना ही है एज इट इज, तो हम रट लेते हैं और साथ में इसको समझ भी लेते हैं, तो एज इट इज वो लोग फटफट फटफट उतार देते हैं, उनको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, सारा कैलकुलेशन उनको याद रहता है कि कहां पर किसका कितना मान आया हुआ है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब द्रव्यमान प्रतिशत के परिकलन से समझने के बाद अब हम यह देखें कि प्रतिशत संगठन आंकड़े से क्या जानकारी प्राप्त की जा सकती है ना। अब इनसे हम और क्या क्या जानकारी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक है इसमें मूलानुपातिक सूत्र और आणविक सूत्र। ठीक है, देखिए जैसे मूलानुपाति और आणविक सूत्र में क्या अंतर है। जैसे आपने यहां पर पढ़ा C2H5OH पढ़ा आपने, ठीक है, तो ये हुआ आपका इथेनॉल, ये इसका आणविक सूत्र हुआ। आणविक सूत्र का मतलब है कि यहां पर जो तत्व है उनकी जितनी संख्या है वो एग्जैक्टली लिखी हुई है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको एक तरीके से देखेंगे तो यहां पर कार्बन दो है, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, तो वास्तव में अगर इसका फार्मूला हम ऐसा लिख दें कि C2 है, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन ये 1 है, अगर ऐसा दिखाएंगे तो ये इसका मूलानुपाती सूत्र है। मूलानुपाती यानी मूल अनुपात क्या है, मतलब तत्वों का उसमें अनुपात कितना है। तो जहां पर कार्बन दो है वहां पर हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 1 है, इसका ये अनुपात है, तो ये इसका मूलानुपाती सूत्र हुआ कि मतलब कौन कौन से तत्व कितने कितनी अनुपात में उपस्थित हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ऐसा लिखेंगे, या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, जैसे मान लो आप इसको लिखें C H
ओ ठीक है, ऐसा अगर लिखें तो फिर आपको यहां पर यह दिखाना पड़ेगा कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कितना है। ठीक है, तो उसको इसी तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा। अभी हम एक एग्जांपल लेंगे आगे चल के, उससे आपको मूलानुपाती सूत्र निकालना मालूम चल पाएगा कि कैसे मूलानुपाती सूत्र निकालते हैं, क्योंकि आणविक सूत्र तो आप निकाल ही लेंगे, आणविक सूत्र निकालने में दिक्कत नहीं है, आपको कोई कैलकुलेशन दिया है तो इसलिए आप कैलकुलेट करके आणविक सूत्र निकाल लेंगे, उसी से आपको मूलानुपाती सूत्र बनाना है। कैसे अभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है। तो अभी मैंने बताया ना कि कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 1 है, वो मूलानुपाती सूत्र है। जबकि आणविक सूत्र किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सही संख्या को दर्शाता है। ठीक है, और उसमें फिर उसको हम आणविक सूत्र के रूप में लिखेंगे। अभी मैं जब तक एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा आपको ये मूलानुपाती सूत्र ठीक से समझ में नहीं आएगा, मैं बताऊंगा अभी। यदि किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात हो तो उसका मूलानुपाती सूत्र निर्धारित किया जा सकता है। द्रव्यमान प्रतिशत आपको दिया रहेगा अगर, तो आप मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालेंगे अभी दिखाएंगे आपको। यदि मोलर द्रव्यमान ज्ञात हो तो मूलानुपाती सूत्र से आणविक सूत्र भी ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए उदाहरण में हम देखते हैं इसको। जैसा मैंने कहा, एक यौगिक में हाइड्रोजन है 4.07, कार्बन है 24.27 और क्लोरीन है 71.65। ठीक है, इसका मोलर द्रव्यमान 98.96 है, इसके मूलानुपाती सूत्र आणविक सूत्र क्या होंगे। देखिए अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको थोड़ा अंदाज हो गया होगा। क्या अंदाज हुआ होगा, हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है 1.008 है, यहां पर 4 लिखा है, मतलब यहां पर हाइड्रोजन है 4, इतना अंदाज हो गया आपको। ठीक है, प्रतिशत है लेकिन, सॉरी ये प्रतिशत दिया है इसलिए ये ऐसा नहीं निकलेगा, दूसरे तरीके से निकलेगा, अभी बताते हैं आपको। ठीक है, हालांकि ये भी वैसे ही निकलेगा, इसमें 4 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है और 2 क्लोरीन है, यहां पर ऐसे ही निकलेगा, 4 हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, 2 कार्बन निकलेगा और 2 क्लोरीन निकलेगा, आप देख लें इसके फार्मूले में। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत भी उतना ही आ रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं मूलानुपाती सूत्र आणविक सूत्र कैसे निकालेंगे। पहला, द्रव्यमान प्रतिशत को, चरण पहला है ना यहां पर, चरण वाइज इसमें 5-6 चरण है, उसमें हम इसको देखेंगे। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र आणविक सूत्र कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। तो पहला चरण, पहले चरण में हम देखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत को ग्राम में परिवर्तित करना। ठीक है, क्योंकि हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशत उपस्थित है, तो टोटल में पहले आप मान लो कि 100 ग्राम यौगिक है, मान लो 100 ग्राम यौगिक है तो हाइड्रोजन इतने ग्राम, कार्बन इतने ग्राम और क्लोरीन इतने ग्राम है, सीधा सीधा इसका मतलब है अगर 100 ग्राम यौगिक लेते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसा बताया कि 100 ग्राम यौगिक है तो हाइड्रोजन इतने, कार्बन इतने और क्लोरीन इतने हैं। ठीक है, ये हमको मिल गया। ठीक, अब दूसरा चरण, चरण दो, प्रत्येक तत्व को मोलों की संख्या में परिवर्तित करना। अभी तक हमको कितना द्रव्यमान है 100 ग्राम में वो निकल गया है, अब उनको मोल की संख्या में हमको परिवर्तित करना है। तो मोल की संख्या में परिवर्तित करने का मतलब ये है कि आप उसके परमाणु द्रव्यमान से उसका भाग कर दीजिए तो उसके मोल की संख्या निकल जाएगी, क्योंकि एक परमाणु द्रव्यमान में एक मोल होता है, अब जितना परमाणु द्रव्यमान है उसको भाग कर दीजिए तो उतने मोल निकल जाएंगे। ऊपर प्राप्त तत्वों के द्रव्यमान को क्रमशः उन्हीं तत्व के परमाणु द्रव्यमान से विभाजित कर देने से इसके मोलों की संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे हाइड्रोजन का हमको निकला है 4.07 और इसका परमाणु द्रव्यमान 1.008, तो ये हो गया 4.04, मतलब इतने मोल हाइड्रोजन के हैं। कार्बन का निकालना है तो 12 से भाग देंगे तो 2 के आसपास आया, और क्लोरीन का 35.5 से भाग देंगे तो ये भी करीब करीब 2 आया। मतलब कि इस यौगिक में हाइड्रोजन के 4 मोल, कार्बन के 2 मोल और क्लोरीन के 2 मोल उपस्थित हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, देखिए कि हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 2 है और क्लोरीन 2 है, यही निकलने वाला है। ठीक है, वो आपको फार्मूला देख के समझ में जाएगा, उसके क्वेश्चन देख के समझ में जाएगा, वही चीजें आ रही है। देखिए अब मोल की संख्या आ गई, मोल है आपके हाइड्रोजन का 4, कार्बन और क्लोरीन के 2-2 मोल लगभग लगभग, है ना। अब अगला चरण देखिए, तीसरा चरण, जो प्राप्त मोल की संख्या है
उनमें से सबसे छोटी संख्या से विभाजित करना है सभी को। अब सबसे छोटी संख्या किसकी है, देखिए यहां पर हाइड्रोजन चार है, कार्बन का 2.021 है और क्लोरीन का 2.021 है, मतलब कार्बन और क्लोरीन के मोल्स एकदम बराबर हैं और यही सबसे छोटे हैं। ठीक है, अब इनसे भाग करेंगे, ठीक है, तो ये देखिए, तो जब भाग किए तो हाइड्रोजन का दो आया और कार्बन और क्लोरीन का एक एक आया। तो मैंने पहले ही बताया है कि हाइड्रोजन चार है, कार्बन दो है, क्लोरीन दो है, का मतलब हाइड्रोजन दो तो क्लोरीन और कार्बन एक एक आएंगे। अभी उतना आ गया हमारा, देखिए, ठीक है, यदि ये अनुपात पूर्ण संख्याएं ना हो तो इन्हें उपयुक्त गुणांक से गुणा करके पूर्ण संख्याओं में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, अगर पूर्णांक नहीं आते तो, मान लो 2.1 आता ऐसा, 2.5 आता, तो हमको अभी इतना मालूम चल गया कि जो केमिकल है उसमें हाइड्रोजन कार्बन और क्लोरीन किन अनुपातों में है। तो ये हाइड्रोजन दो है तो कार्बन एक है और क्लोरीन एक है, इस अनुपात में है। तो एक प्रकार से हमारे पास मूलानुपाती सूत्र मिल गया है, आप कहेंगे तो ठीक है, फिर भी हम इसको आगे बनाने का, इसको कैसे लिखना है ये देखेंगे। तो मिल गया है, तो अब देखिए चरण में, अगले चरण में क्या करेंगे, सभी तत्वों के संकेत लिख करके क्रमशः ऊपर प्राप्त संख्याओं को उसके साथ साथ दर्शाकर मूलानुपाती सूत्र लिखिए। ये देखिए, तो मूलानुपाती सूत्र कैसे लिखेंगे, तो कार्बन एक है, हाइड्रोजन दो है और क्लोरीन एक है। तो देखिए मूलानुपाती सूत्र आ गया CH2Cl, इसका मूलानुपाती सूत्र हो गया। मैंने अभी लिख दिया था आपका कि हाइड्रोजन दो है, क्लोरीन और कार्बन एक एक है, तो कार्बन को पहले लिख देते हैं ज्यादातर कंपाउंड में, आपको पता है, तो CH2Cl इसका मूलानुपाती सूत्र हो गया। मतलब मूल अनुपात क्या है तीनों का, तो कार्बन एक, हाइड्रोजन दो, क्लोरीन एक, ये उनके मूल अनुपात है, आपस में इनके इतने अनुपात है। अब है अगला चरण, जब हमको मूलानुपाती सूत्र मिल गया है तो अब इनका हमको आणविक सूत्र लिखना है, इस पदार्थ का आणविक सूत्र, ठीक है, ये लिखना है। ठीक है, तो शुरू में आपको ध्यान होगा हाइड्रोजन 4, कार्बन 24 और क्लोरीन 71% मिला था हमको। ठीक है, तो अब इसका आणविक सूत्र कैसे निकालेंगे, देखिए, तो मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान निर्धारित करने के, मूलानुपाती सूत्र में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग कीजिए। अब देखिए कैसे निकालेंगे, हमारे पास मूलानुपाती सूत्र आया CH2Cl, ठीक है, अब इसका योग करते हैं अपन, तो कार्बन है 12, हाइड्रोजन 2×1 और क्लोरीन है 35.5, इन सबको जब जोड़ेंगे तो आया 49.48 ग्राम आया मूलानुपाती सूत्र का। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र में जो द्रव्यमान है 49.48 आया, जबकि शुरू में जब आपने क्वेश्चन देखा था, आप देखिए क्वेश्चन में आपको एक बात दिखाता हूं, इसी में लिखा है आपका जो क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है कि जो पदार्थ है उसका मोलर द्रव्यमान 98.96 है, जो एक्चुअल पदार्थ है जितना मात्रा दिया है उसका मोलर द्रव्यमान 98.96 है और मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान हमको आया 49.48, मतलब क्या कि 98.96 है, इसको भाग देंगे, देखिए 98.96 इसको 49.48 से भाग देंगे तो आ जाएगा लगभग 2, मतलब मूलानुपाती सूत्र में आप 2 का गुणा कर देंगे तो आणविक सूत्र आ जाएगा, मतलब C2H4Cl2, ये इसका आणविक सूत्र आएगा। ठीक समझ पा रहे हैं ना आप लोग, हमारा मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान इतना आया और दिया है 98.96, इतना होना चाहिए, मतलब इससे डबल होना चाहिए, तो डबल तब होगा जब आप इसको डबल कर देंगे, हर चीज को डबल करेंगे तो डबल आ जाएगा, मतलब C2H4Cl2 इसका फार्मूला आएगा, ये देखो C2H4Cl2 इसका फार्मूला आ गया, ये आणविक फार्मूला है। वही चीज यहां पर सीधा सीधा कैलकुलेट है, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान हमको इतना मिला, आणविक द्रव्यमान इतना दिया है तो 2 आया और 2 से मूलानुपाती सूत्र का गुणा करेंगे, n मतलब इसका n से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो C2H4Cl2 आ गया। समझ रहे हैं बात को, मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान कितना आया और आपको दिए गए पदार्थ का द्रव्यमान कितना दिया है
उसके अकॉर्डिंग आपको निकाल लेना है। अगर 49 आया है और आपको 98 लाना था तो आपको 2 से गुणा कर देना है। तो मूलानुपाती सूत्र का 2 से गुणा किया, उसी को एन लिखा है यहां पर। इसको समझ लीजिए, मूलानुपाती सूत्र को ऊपर प्राप्त एन से गुणा करना है, ठीक है? क्योंकि मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान कैसे निकलेगा, तो ये ऐसे निकलेगा, इसको ध्यान रखेंगे। ये जरा यहां पर थोड़ा सा फिर से बता देता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए क्या लिखा है। पहला आपने क्या लिखा कि मूलानुपाती सूत्र का आप द्रव्यमान निकाल लिए, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब ख में क्या लिख रहे हैं, मोलर द्रव्यमान को मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान से विभाजित कीजिए, ठीक है? तो ये देखिए, मोलर द्रव्यमान बटा मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान इक्वल टू 98.96 डिवाइडेड बाय 49 इक्वल टू 2, ठीक है? अब तीसरा पॉइंट क्या हुआ, ये 2 जो आया, n आया, इसको आपको मूलानुपाती सूत्र से गुणा कर देना है, तो ये आ जाएगा C2H4Cl2, ठीक है? मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान 49, दिया गया द्रव्यमान 98, मतलब उसका 2 गुना हो जाएगा, तो मूलानुपाती सूत्र का 2 गुना C2H4Cl2 आएगा, वही हमने यहां पर लिखा है। ये सिंपल तरीका है जानने का, कैलकुलेट करने का ये तरीका है। तो मेरे हिसाब से अब आपको ये कैलकुलेशन आ गया होगा किस तरह से इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है? अब है स्टॉक्योमेट्री और स्टॉक्योमेट्रिक परिकलन, ठीक है? ये क्या चीजें हैं, देखिए, तो स्टॉक्योमेट्री में 2 शब्द लगा हुआ है, एक है स्टॉक्योन, तो ध्यान देंगे स्टॉक्योन, इसका मतलब होता है तत्व, एलिमेंट, और मेट्रॉन या मेट्री, इसका मतलब है मापना, नापना, ठीक है? मतलब तत्वों को मापना, कितने तत्व हैं, कौन से तत्व हैं, उनकी कितनी मात्रा, कितनी संख्या है, इनका मापना स्टॉक्योमेट्री है, इसको समझ लीजिए, ठीक है? अतः स्टॉक्योमेट्री के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों या आयतनों का परिकलन आता है। मतलब क्या कि जो अभिक्रिया में भाग लिए हैं अभिकारक, उनका द्रव्यमान कितना है, जो अभिक्रिया से बने उत्पाद उनका द्रव्यमान कितना है, और नहीं तो द्रव्यमान नहीं तो आयतन, क्योंकि अगर गैस गैस निकल रहा है तो गैस का आयतन निकालते हैं, अगर ठोस या द्रव बन रहा है तो उसका हम द्रव्यमान निकाल सकते हैं, गैस का भी द्रव्यमान निकाल सकते हैं, लेकिन उसका फिर जनरली आयतन निकाला जाता है, ठीक है? यह समझने से पहले कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी अभिक्रियक, अभिक्रियक मतलब अभिकारक, कि कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी या कितना उत्पाद प्राप्त होगा, यह जान ले कि किसी दी गई रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण से क्या जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है? तो कितने अभिकारक लगेंगे, कितने उत्पाद बनेंगे, इसकी जानकारी आपको एक संतुलित समीकरण से मिल सकता है। जो रासायनिक समीकरण संतुलित हम बनाते हैं, तो सबसे पहला काम है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, उसके बाद जो है संतुलित समीकरण मिलने के बाद ही आप द्रव्यमान या आयतन का परिकलन कर सकते हैं, और फिर उसके बाद तो सरल ही हो जाता है, उसको देख के ही कर सकते हैं। आइए मेथेन के दहन पर विचार करें। संतुलित समीकरण में देखिए, पहला चीज ध्यान रखिए कि यहां पर मीथेन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, CO2 भी गैस बना, और H2O भी गैस यानी वेपर बना। मतलब इसमें जितने भी अभिकारक भाग ले रहे हैं, मतलब मीथेन और ऑक्सीजन अभिकारक भाग ले रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बन रहे हैं, ये सभी जो है गैस के रूप में है, ठीक है? तो हम इसमें जनरली अगर आयतन निकालें तो ज्यादा अच्छा है, और द्रव्यमान निकालना चाहें तो भी हम निकाल सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान तो हम निकाल ही सकते हैं। यहां पर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को अभिकारक या अभिक्रियक कहते हैं, और सॉरी ऑक्सीजन है, डाइऑक्सीजन, यहां मीथेन और डाइऑक्सीजन को अभिकारक कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को उत्पाद कहते हैं। यहां पर डाइऑक्सीजन क्यों कहा है, क्योंकि यहां पर O2 लिखा है, ध्यान रखेंगे, इसलिए इसका नाम डाइऑक्सीजन है। तो इधर वाले अभिकारक या अभिक्रियक कहलाते हैं, और इधर वाले उत्पाद कहलाते हैं, वही चीज है। ध्यान दीजिए कि उपरोक्त अभिक्रिया में सभी अभिक्रियक और उत्पाद गैसें हैं, अभी मैंने आपको बताया ना कि सभी गैस हैं, और इसे उनके सूत्रों के बाद कोष्टक में जी अक्षर लिख करके व्यक्त किया जाता है। अगर इसके जगह ठोस या द्रव होता तो उसे एस और एल लिखे जाते हैं,
यहां पर जी लिखे हैं उसकी जगह सॉलिड रहता तो एस और लिक्विड रहता तो एल लिखा था, लेकिन यहां पर आप देखिए कि H2O को भी इसने गैस लिखा है, एल नहीं लिखा है, मतलब जल यहां पर जो है गैस के रूप में, वेपर के रूप में मिल रहा है, न कि लिक्विड के रूप में मिल रहा है। O2 और H2O के लिए गुणांक 2 को स्टोइकोमेट्रिक गुणांक कहा जाता है। इसी बात CH4 और CO2 दोनों के लिए गुणांक 1 है। देखिए यहां पर इस अभिक्रिया में देखिए कि ऑक्सीजन 2 और H2O 2 बने हैं, तो ये इसका स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट है, जबकि CH4 और CO2 इसका एक एक है गुणांक, ठीक है, एक एक गुणांक है। ये गुणांक अभिक्रिया में भाग ले रहे या बनने वाले अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या को व्यक्त करते हैं। तो सीधी सी बात है कि कितने मोल वहां पर यूज हो रहे हैं, अणु यूज हो रहे हैं, उसको ये व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहां पर पहली बात कि मीथेन का 1 मोल ऑक्सीजन के 2 मोल से क्रिया करता है, और इससे CO2 का 1 मोल और H2O का 2 मोल बनता है। ये आपको इससे फार्मूले से पता चला, पहला पता चला, ठीक है। या आप इसको अणु के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं कि CH4 का 1 अणु ऑक्सीजन के 2 अणु से क्रिया किया, और इसके परिणाम स्वरूप CO2 का 1 अणु और जल का 2 अणु बना। तो आप या तो इसको मोल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, बोल सकते हैं, या फिर अणु के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में उत्तर आपको एक ही आएगा, ठीक है। अब इसमें और क्या बता सकते हो, देखिए इस फार्मूले में CH4 22.7 लीटर यूज हुआ, ऑक्सीजन गैस 45.4 लीटर यूज हुआ, CO2 22.7 लीटर बना और H2O 45.4 लीटर बना। ऐसा क्यों है पता है? क्योंकि कोई भी गैस सामान्य ताप और दाब पर 1 मोल गैस 22.7 लीटर स्थान घेरता है। ध्यान रखेंगे, सामान्य ताप और दाब पर 1 मोल गैस 22.7 लीटर स्थान घेरता है, तो इसीलिए सभी का 22.7 से गुणा किए हुआ इस फार्मूले में, ठीक है। तो मीथेन 1 है तो 22.7 आया, ऑक्सीजन 2 यूज हो रहा था तो डबल हो गया, CO2 1 बन रहा था तो 22.74, और H2O 2 बन रहे थे इसलिए 45.4। मतलब ये कि 1 मोल बराबर 22.7 लीटर, आप इतना समझ लीजिए। तो जहां जहां 1 मोल गैस है वहां 22.7 लिखा है, जहां पर 2 मोल गैस है वहां पर 45.4 लिखा है, इतना आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब अगर आप इसके आणविक द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान की तुलना करें, ठीक है, तो CH4 का कितना है, देखिए CH4 में कार्बन है 12 और हाइड्रोजन है 4, तो ये हो गया 16। तो मीथेन का आणविक द्रव्यमान है 16, ठीक है। ऑक्सीजन है O2, ठीक है, O2 का मतलब है 16 × 32, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन यूज हो रहा था, आपको ध्यान होगा, तो 2 ऑक्सीजन है, O2 का 32 हो गया, और 2 ऑक्सीजन है तो 2 और कर दिए इसको, तो 32 × 64 हो गया, ठीक है। वैसे CO2 है तो CO2 में आप देखिए कार्बन है 12 और ऑक्सीजन है 16 × 32, 32 और 12 हो जाता है 44, तो CO2 44 ग्राम यूज हुआ। H2O है 2 और 16 18, 18 का 2 यूज हुआ था तो 18 × 36 इतना बना। मतलब यूज क्या क्या हुआ, CH4 यूज हुआ 16 ग्राम है ना, ऑक्सीजन यूज हुआ 32 × 64 ग्राम, बना CO2 44 ग्राम, और पानी बना 18 × 36 ग्राम, ये पानी बना। मतलब आप इसके आणविक द्रव्यमान जो यूज हुए अभिकारक के रूप में और जो बने उत्पाद के रूप में, उनका आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। इन संबंधों के आधार पर दिए गए आंकड़ों को एक दूसरे में इस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है, देखिए कैसे, द्रव्यमान को मोलों की संख्या में या अणुओं की संख्या में आप परिवर्तित कर सकते हो,
ठीक है, क्योंकि आपने सभी तरीके से लिख दिया है कि क्या क्या यूज हो रहे हैं और कैसे कैसे बन रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप घनत्व तो निकालना चाहते हो किसी चीज का, तो जो द्रव्यमान है उसका आयतन से भाग कर दोगे तो घनत्व तो निकल जाएगा। मतलब कोई चीज का आयतन कम है तो घनत्व तो ज्यादा हो जाएगा, मतलब सिकुड़ा हुआ है तो ज्यादा घनत्व तो हो जाएगा, फैला हुआ है तो कम घनत्व तो हो जाएगा। मतलब आयतन के कम होने से घनत्व तो बढ़ेगा, आयतन बढ़ने से घनत्व तो कम होगा। ठीक है, समझ गए? किसी भी चीज का मतलब ज्यादा ठोस चीज है, आयतन कम है तो ज्यादा घन रहेगा और ज्यादा वजन रहेगा उसका, और फैला हुआ है तो घनत्व तो कम रहेगा। इसीलिए ठोस का घनत्व तो ज्यादा है, द्रव का घनत्व तो उससे कम है, और गैस का घनत्व तो उससे भी कम है। ठीक है, और ठोसों में भी या किसी भी चीज में उनके अंदर भी कई पदार्थों का घनत्व तो कम ज्यादा रहता है। ठीक है, ठोस में भी कोई चीज ज्यादा घने होते हैं, कोई चीज कम घने होते हैं, वैसे लिक्विड में और गैसों में। ठीक है, अब यहां पर एक उदाहरण यहां पर दिया हुआ है। 16 ग्राम मीथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा का परिकलन ग्राम में कीजिए। ठीक है, तो सीधा सीधा क्या है पता है, जैसे CH4 है तो CH4 यहां पर यूज हो रहा है 16 ग्राम, और देखिए आणविक द्रव्यमान भी 16 ही हुआ है, तो दहन का आप फार्मूला लिख लेंगे सीधा सीधा। ठीक है, दहन का फार्मूला तो आपको मालूम है कि क्या है, दहन का फार्मूला अभी अभी आपने लिखा था, ट्वाइस H2O। ठीक है, तो जब 16 ग्राम मीथेन यूज होगा तो जल की मात्रा होगी 18 दुनी 36 ग्राम, ये निकलेगा आपके पूरे कैलकुलेशन में। आप पहले ही कैलकुलेशन में क्या निकलेगा उसको अंदाज लगा सकते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 16 ग्राम मीथेन यूज होगा तो इस फार्मूले के अनुसार 36 ग्राम यहां पर पानी बनेगा। अब चलिए इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए 36 ग्राम आया है उत्तर, देखिए। ठीक है, तो आप फार्मूले से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम है कि इसका एक संतुलित समीकरण आपको आना चाहिए। तो संतुलित समीकरण संतुलन कैसे करते हैं इसको भी हम एक एग्जाम्पल में देखेंगे। आप सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि CH4 है, O2 है, CO2 है, H2O बने, फिर उनके हिसाब से दो दो आप लिख देंगे तो आप आ जाएगा। वो अभी हम देखेंगे कैसे संतुलित समीकरण लिखते हैं। जैसे जैसे आप केमिस्ट्री में आगे बढ़ते जाते हो आपको ये सब चीजें अपने आप इनबिल्ट डेवलप होते चले जाती है। आप जैसे नियम पढ़ोगे ना कि समीकरण को संतुलित करने के क्या क्या नियम है, बहुत सारे नियम पढ़ लोगे, नियम याद भी कर लोगे, उससे दो चार एग्जाम्पल भी पढ़ लोगे, लेकिन उससे आप संतुलन करना नहीं सीख पाओगे। संतुलन करने के लिए आपको उसका अभ्यास करना पड़ेगा, है ना, कि कैसे उसको संतुलित किया जाना है। ठीक है, तो अब देखिए इस संतुलित समीकरण के हिसाब से 16 ग्राम CH4 1 मोल के बराबर है CH4 का, है ना, ये तो आप आणविक द्रव्यमान निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, और इस फार्मूले में भी वैसे ही है कि 1 मोल CH4 के जलने से 2 मोल H2O बनता है। ठीक है, ये देखिए सीधा सीधा, और H2O का जो मोलर द्रव्यमान है 18 ग्राम है, तो 2 मोल बनने से 36 ग्राम पानी बनेगा। इसको सीधा सीधा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 1 मोल H2O 18 ग्राम H2O है ना, 1 मोल हुआ, और 2 मोल जो है 36 ग्राम के बराबर है। तो शुरू में ही आप देख करके इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैसे ये निकलेगा। ठीक है ना। अब ये मेरे को लग रहा है कुछ छूट गया क्या यहां पर, 1.8 और ये उदाहरण 1.3, बीच में ना एक दो स्लाइड छूट गया है लग रहा है मुझे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, स्लाइड हम और भी दिखा देंगे आपको, नेक्स्ट क्लास में दिखा देंगे इसके, और एग्जांपल के स्लाइड्स होंगे। एक दो स्लाइड छूट गया लग रहा है मुझे, क्योंकि उदाहरण 1.8 आ गया है देखिए, है ना, और इस बीच में ये उदाहरण 1.3 है, तो यहाँ पर 5 उदाहरण जो है बीच में छूट गए हैं, मुझे लग रहा है 2-3 स्लाइड छूट गए हैं, तो स्लाइड में आपको अगले क्लास में बता दूंगा, कोई बात नहीं है। ये मोलर द्रव्यमान वगैरह निकालना दिखा रहा है, तो ठीक है अपन एक काम करते हैं अभी इस क्लास को यहाँ पर ब्रेक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्लाइड ऐड करके इसको आपको आगे कैलकुलेशन करना बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। कुछ स्लाइड यहाँ पर छूट गए हैं इसलिए मैं क्लास यहाँ पर ब्रेक कर दे रहा हूँ, वैसे भी करीब आधे पौन घंटे हम पढ़ चुके हैं, तो अगली क्लास में फिर मैं आपको बाकी स्लाइड्स जोड़ करके इसे कैलकुलेशन को आगे बढ़ा के बताऊंगा आपको। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, है ना, थैंक यू, बाय।